अपराधियों की रिहाई पर सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों से नहीं चल सकती है सरकार। लालू यादव की एंट्री अब बिहार में हो चुकी है, अब बिहार में अपराध बढ़ेगा ही और अपराधी दिखेंगे, माफिया दिखेंगे। जी हां, आपको बता दें नीतीश कुमार डमी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये कहना है सम्राट चौधरी का। नीतीश कुमार चुनाव लड़ने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि अब नीतीश का खाता नहीं खुलने वाला है। नीतीश कुमार मायाजाल बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार कि चुनाव लड़ने पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन चुनाव जीतेंगे या नहीं यह नहीं पता। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि उस पूरे वक्तव्य में सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। तो बोलने नहीं देंगे बिहार में आकर, इसका मतलब आप सांप्रदायिक है। अरे बोलने का अधिकार तो सबको है, आप रोक कैसे सकते हो? देखिए, अब बिरसन पटेल जी पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उस पर क्या बयान देना है। नहीं, वो फोटो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। वो फोटो में सब स्वेटर पहने हुए हैं, तो आज तो स्वेटर पहनेगा नहीं। हिंदू धर्म गुरुओं से क्या परेशानी है? देखिए, हिंदू धर्म गुरु या किसी धर्म के गुरु, ये मौलिक अधिकार है कि अपने प्रवचन से समाज को जोड़ने का काम कर सकते। और कोई यदि रोकता है तो यह स्पष्ट झलकता है तुष्टिकरण हो रही है। अभी आप देख रहे हैं ना सासाराम, और इसमें क्या हो रहा है? एक महीने तक बिहार की पुलिस खोज नहीं पाई कि अपराधी कौन था। मैं तो जा रहा हूँ 3 तारीख को, मैं धरना पे जा रहा हूँ सासाराम, और नीतीश कुमार की सरकार को जो ताकत लगाना है लगाए। बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि आप बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, और 5 तारीख को मैं बिहार शरीफ भी जाऊंगा। लोगों की हत्या हो रही है और नीतीश बाबू बैठ के यहाँ ताली बजा रहे हैं। वहाँ पर गुलशन कुमार की हत्या हुई, यहाँ राजा चौधरी की हत्या हुई सासाराम में, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को शर्म ही नहीं लगता है, करे क्या? सासाराम जा रहे हैं, हत्या हुई है, उसके कारण धरना पर बैठे एकदम हत्या। नहीं नहीं, हमारे हम तो वही कह रहे हैं, प्रश्न है मेरा कि जो पूर्व विधायक 5 बार विधायक रहे, लगातार आपके पास बातें रखते रहे, और जिसने प्रशासन को कहा कि आप यदि सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को रद्द कराना चाहती है प्रशासन, अब उसको आप जेल भेज रहे हो। यह स्पष्ट झलकता है कि प्रशासन पूरी तरह कंस्पिरेसी कर रहा था कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो जाए। ललन सिंह आपकी तस्वीरें ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री, देखिए नीतीश बाबू चुनाव कहीं लड़े, जनता ने मूड बना लिया है, अब उनके पार्टी का खाता नहीं खुलेगा तो कहां से चुनाव जीते। देखिए, मैं 1996 में ले जाता हूँ आपको। नीतीश कुमार ये सब माया जाल बुनते रहते हैं। जौहर साहब को वहाँ ले गए, उसके पहले वो पार्टी पर समता पार्टी नहीं जीतती थी, तो बड़े नेता को जौहर साहब को ले गए थे। ये जो कहते हैं ना कि कृपा से कोई सीट जीत जाता है, तो उनको गलतफहमी में पहले बता देता हूँ, उसके पहले वहाँ कम्युनिस्ट जीतता था, समता पार्टी भी नहीं जीत पाई थी, वहाँ जौहर साहब जीते थे। जौहर साहब बहुत बड़े नेता थे, तो जौहर साहब की कृपा से वो समता पार्टी का सीट बना है, नीतीश जी के कृपा से वो सीट नहीं बना है। नालंदा से जीत पाएंगे नीतीश कुमार? ये तो महान जनता नालंदा का तय करेगी, लेकिन स्पष्ट रही है जब नीतीश कुमार जी की पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा तो वो कहाँ से जीते। लेकिन 2004 के बाद नीतीश कुमार कोई चुनाव लड़े नहीं है, तो आपको लगता है कि इस बार? नहीं नहीं, मैं इस पर कोई बड़े नेता हैं इस पे कहाँ कोई प्रश्न है भाई। बिहार की जनता ने 18 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है, लंबे समय तक बिहार की सेवा किया है, लेकिन मैंने ये कहा है कि 2013 के बाद नीतीश बाबू सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि पूरी तरह जनता दल यूनाइटेड को 0 पर आउट करना है। इसलिए भी आउट करना है कि अब बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू अप्रासंगिक हो चुके, उनके पास कोई वोट नहीं है, लालू जी के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते।
आरजेडी कह रही है कि बागेश्वर बाबा सनातनी जो तानाशाह है उसके पोषक है और बीजेपी भी वही पोषक है, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया। अब देखिए मानसिक स्थिति जिसकी जैसी होती है वो बोलते रहते हैं। लालू जी को भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने और भाजपा के खिलाफ ही लड़ने लगे, अब तो उसमें क्या कह सकते हैं। तो बाबा आ रहे हैं तो बाबा के प्रवक्ता इस पर बयान देंगे, लेकिन किसी को भी जो महागठबंधन ये कहती है कि लोकतंत्र वाला देश है और अपनी इच्छा कोई भी जाहिर कर सकता है, वो पार्टी यदि ये कर रही है तो सांप्रदायिक तो वही दिखता है हमको। राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक हो गई, आप किसी को बोलने नहीं देंगे बिहार में आकर, इसका मतलब आप सांप्रदायिक है। अरे बोलने का अधिकार, हमारे बड़े भाई हैं, स्वाभाविक है उनको मेरा फोटो ही ट्वीट करना चाहिए, स्वाभाविक है, अच्छी बात है। बड़े भाई का काम है कि छोटे भाई को प्रमोट करना चाहिए। देखिए एक्सपायरी डेट की दवा और एक्सपायरी लीडरशिप, कितने भी जुटे बिहार में उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं 2013 के बाद नीतीश कुमार सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री रह गए हैं और लालू यादव भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री बने और भाजपा के खिलाफ लड़ने लगे। वहीं ये कहना है सम्राट चौधरी का। वहीं आपको बता दें सम्राट चौधरी बागेश्वर बाबा के आगमन पर भी बोले, उन्होंने कहा कि विरोध को लेकर सम्राट चौधरी ने बात कहा कि राजद सांप्रदायिक हो गई है। 3 तारीख को भाजपा करेगी सासाराम में धरना प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी होंगे उसमें शामिल। अमित शाह के कार्यक्रम को रद्द कराना था मकसद, विपक्षी दल की हो रही है बैठक को लेकर भी सम्राट चौधरी ने कहा कि एक्सपायरी डेट की दवा कितना भी इलाज करवा ले उससे पर इलाज नहीं होता, फायदा नहीं होता है। वही विपक्षी एकजुटता को लेकर इसी तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि ये भी एक्सपायरी हो गए। भाजपा पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यही कहा है कि एक्सपायरी डेट का इलाज नहीं हो सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।